सब्सक्राइब दिस चैनल। आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की होंगी है, प्रोबेबिलिटी तुसी पहला भी सुनिया होएगा वर्ड, थोड़ी लास्ट जो क्लासेस थी उन्होंने भी यह मैथ का टॉपिक सी। ये प्रोबेबिलिटी की होंगी है, प्रोबेबिलिटी जो मतलब कि आप कुछ सोच रहे हैं, अपने को ईवेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उदो उन्होंने भी किन्ने जे ईवेंट्स ने सक्सैसफुल होने उन्ना बारे होंगे। जिमें प्रोबेबिलिटी इज़ द रेशो ऑफ फेवरेबल ईवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली ईवेंट्स, मतलब कि फेवरेबल ईवेंट्स मतलब कि किन्ने ईवेंट्स ने जोड़े वह कंप्लीट होने उन्हों की रेशो जो आप टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली ईवेंट्स के नाल कटते उन्होंने प्रोबेबिलिटी कहा जाता। मन के चलो भी अपने को कहें ताश है, ठीक है, ताश सारियां नूं पता ही है, ताश दे विच जो आप करते हैं आपां नूं की पता है भी जे आप एक मतलब के एक बारी दे विच भी एक बंदे कोले किन्ने पान दे पत्ते आणगे किन्ने दूजे आणगे, ठीक है, भी अलग अलग जिन्ने भी स्पीड्स हुंदे ने, ठीक है, तो उन्हां दे विच हर्ट्स हुंदे ने उन्हां दे विच मतलब कि किन्नी किसी की वह है आप कह सकते संभावना है किसी चीज़ की आने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहा जाता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हुंदी है थ्री टाइप्स हुंदी ने, थ्रैटिकल, रैलेटिव और सबजैक्टिव, ठीक है। थ्रैटिकल प्रोबेबिलिटी की होंगी है जो आप करते हैं वी अज्यूम दैट ऑल एंड पॉसिबल आउटकम्स ऑफ पर्टिकुलर एक्सपैरीमेंट आर इक्वली लाइकली एंड वी असाइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिवाइड बाय एन टू ईच पॉसिबल आउटकम, ठीक है। मान के चलो कहते अपने को टोटल आउटकम्स किनिया ने एन ने उन्होंने प्रोबेबिलिटी किन्नी दी आ रही है एक वैल्यू की, एक टाइम के उपर एक आउटकम आनी चाहिए, तो आप फेवरेबल केसिस किन्ने हो गए वन एट अ टाइम, टोटल किन्ने हो गए एन वन डिवाइड बाय एन, ठीक है। जिवें एग्जाम्पल दी हुई नीचे द थ्रैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ थ्री ऑन ए रेगुलर सिक्स साइडेड डाइज, कहते अपने थ्री भी मतलब कि कोई अपने को सिक्स साइड्स होंदिया ने, देखो वे आप जो डाइस है कोई भी खेडते हैं, ठीक है, कुछ भी आप खेडते हैं जिवें सब सिटी होंगी है ज कुछ भी होंगी है, ठीक है, तो आप खेडते हैं जी डाइस होंगी जो अपन उत्ते छे साइडा होंगे ने अपने की करना अपन उपर सुटना है भी थ्री जरा किन्ने टाइम आएगा वो आप प्रोबेबिलिटी दसनी है भी थ्री किन्ने टाइम आएगा, ठीक है। तो थ्री एक बार जो आप एक बार उपर सुटी तो एक बार ही थ्री आ सकता है, ठीक है, तो वन डिवाइड बाय सिक्स की होगी प्रोबेबिलिटी। ये थ्रैटिकल प्रोबेबिलिटी होंगी है। और रैलेटिव प्रोबेबिलिटी, रैलेटिव प्रोबेबिलिटी की होंगे जो अपने कोई भी एक्सपैरीमेंट आ वो एक तो वध टाइम बारी आप करना हो मैनी मैनी टाइम्स आप कोई भी चीज़ करनी हो उदो प्रोबेबिलिटी जिवें ईवेंट ए है कोई भी उसकी प्रोबेबिलिटी किन्ने की होएगी, हाउ मैनी टाइम्स ए अकर्स हाउ मैनी ट्रायल्स, भी किन्ने अकर्स हाउ मैनी ट्रायल्स, भी किन्ने बारी जिहड़ा ए आ रहा है तो भी टोटल नंबर ऑफ किन्ने बारी आप काम कर रहे हैं वो डिवाइड करके वह आंसर आएगा रैलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जिवें सब तो नीचे एग्जाम्पल है अ डाइज रोल्ड 100 टाइम्स द नंबर थ्री इज रोल्ड 12 टाइम्स द रैलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए थ्री इज 12/100, कहते कोई भी डाई है अपन 100 बारी उपर डिगया तो वो उपर 12 बारी 3 आया, ठीक है, तो अपने 3 की प्रोबेबिलिटी कढ़नी भी 3 किन्ने बारी आया सी 12 किन्ने टोटल किन्ने चो 100 चो 100 चो 12 बारी की आया 3 आया, ये की होगी रैलेटिव प्रोबेबिलिटी। और सबजैक्टिव प्रोबेबिलिटी, सबजैक्टिव प्रोबेबिलिटी की होंगी है दीज आर वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 और 0 and 100% असाइंड बाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हाउ लाइकली दे थिंक ईवेंट्स आर टू अकर। एग्जाम्पल कहते जो प्रोबेबिलिटी आर बिंग आस्ड ऑन डेट फॉर दिस वीकेंड इज 10%, ठीक है, जो अपने को मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं दिता हो सिर्फ आप एक ईवेंट्स दिते हो इंडिविजुअल बेस्ड के उपर भी उन्होंने कोई परफेक्ट चीज़ ना दी वो होंगे ना सबजैक्टिव जिवें नीचे है, ठीक है, भी ये वीकेंड डेट भी 10% दे भी कि डेट 10% टाइम आई हम अपन डेट का नहीं पता ये नहीं पता भी हम कोई भी डेट आ सकती है, ठीक है, तो की हो गई सबजैक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो तो कुछ भी परफेक्ट ना दिता हो। प्रोबेबिलिटी के टू लॉज होंगे ने एडिशन लॉ और मल्टीप्लीकेशन लॉ। एडिशन लॉ के होंगे एडिशन लॉ के होंगे जो अपने को दो ईवेंट्स ने मान लो ए एंड बी, ठीक है, वह दोनों के जाता वह दोने आने, ठीक है, जो दोनों के एक आएगा, ठीक है, मतलब कि और आप साइन की लैंने जो अपने और की कंडीशन तो आप साइन लैंने ना यूनियन का, ठीक है, तो यदा फॉर्मूला होंगे, ठीक है, जिमें मान लो कहें ए दे ए की है पी टाइम आ सकता बी है जरा क्यू वेज के नाल आ सकता, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ किनिया ने अपने को एन, ठीक है, तो आपने कढ़ना
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਨ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਐਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਏ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀ ਏ ਔਰ ਬੀ ਪੀ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਪੀ ਏ ਪਲੱਸ ਪੀ ਬੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਡਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਸਿਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਈਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੋ 1/6 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਉ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਉ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਡ ਵੀ ਏ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਐਂਡ ਬੀ ਵੀ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੀ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਪੀ ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪੀ ਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ 3 ਪਿੰਕ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ 7 ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈਆਂ 7+3 10 ਕੈਂਡੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੋਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਂਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਪੀ ਏ ਜੇ ਏ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਏ ਵਾਰੀ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 3 ਪਿੰਕ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10 3/10 ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪਿੰਕ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ 3/10 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿਉ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਿੰਕ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ